प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.7 अध्याय 2 के अंतर्गत। तो ये प्रश्नावली दशमलव संख्याओं के भाग पर आधारित है, यानी दशमलव संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। इससे पिछले वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं को गुणा करना, जोड़ना और घटाना सीखा था, तो आज हम पढ़ेंगे भाग करना दशमलव संख्याओं को। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें पहली संख्या आपको दी है 0.4/2, तो 0.4 को मैंने ऊपर लिखा, 2 को मैंने नीचे लिखा है, और थोड़ी देर के लिए इसका दशमलव भूल करके हम 4 को 2 से भाग देंगे, तो आंसर आएगा 2, 2×2=4। अब चूंकि एक अंक से पहले दशमलव है, तो आंसर भी मैंने एक अंक से पहले दशमलव लगाया है। अगला प्रश्न है 0.35/5, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 5 के पहाड़े में जो 35 है वो कितने बार आता है, 7 बार आता है, 5×7=35। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, सिर्फ इसे 35 समझिए। तो यहाँ हमारी जो संख्या थी उसमें 2 अंकों से पहले दशमलव था, तो आंसर में भी हमें 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना था, तो 7 के आगे कोई अंक नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ 0 मान लिया, फिर पॉइंट लगाया और आगे से ऐसे 0 लिख लिया, तो आंसर आया 0.07। तीसरा है 2.48/4, 2.48 लिखा, उसको 4 से डिवाइड करते हुए दिखाया, तो यहाँ दशमलव भूल करके हमने 248 को भाग देना है 4 से, तो 4×6=24 और 4×2=8, तो 62 हमारा उत्तर आया। अब चूंकि यहाँ 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी हमने 1, 2 अंकों से पहले दशमलव लगा लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65.4/6 लिखा, फिर थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल करके इसे 654 मानिए, तो भाग देंगे 6×6, पूरा कट गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 5, 5 में भाग नहीं जाता, तो हमें 4 भी लेना पड़ेगा, यानी हमें 54 को इकट्ठा लेना पड़ रहा है। तो जब हमें दो संख्याओं को डायरेक्ट लेना पड़ता है भागा में, तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर हम भाग देंगे 6×54, 9 बार भाग जाएगा, तो 109 हमारा उत्तर आया। अब यहाँ एक अंक से पहले दशमलव था, तो यहाँ भी हमने एक अंक से पहले दशमलव लगा लिया। फिर है 651.2/4, तो उसको ऐसे लिखा, फिर 4 से हम भागा देंगे, 4×4, 2 शेष रहेगा हमारा, 2×5, 4×6=24, यहाँ 6 आएगा, 4×6=24। फिर 1 शेष रहा, तो 11 बचा, इसको आप साइड में भाग करके देख सकते हैं, 11 बचेगा, फिर 4 से भाग जाएगा, 4×2=8, और हाँ शेष रहेगा 3, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ फिर इस 2 को मिला करके कितना बना, 32, तो 8×32, 1628 आंसर आएगा। मैं यहाँ सीधे कर रही हूँ क्योंकि मैं सीधे कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे किनारे पर जो है हल करके देख सकते हैं। अब आंसर में एक अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी हम एक अंक से पहले दशमलव लगा लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.49/7, तो भाग देना शुरू करते हैं, 7×2=14, पूरा कट गया। अब हमारा जब 4 उतरेगा तो वो इससे छोटा हो जाएगा, तो हमें 49 पूरा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर वैसी 0 आ जाएगा जैसे यहाँ 0 आया था, फिर 7×7=49, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर में 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी हमारा 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। फिर अगला है 3.96/4, तो 396 में हमने भाग देना है 4 से, 4×8=32, 4×9=36, तो 39 में से 36 घट जाएगा, तो 3 शेष रहेगा, फिर से 36 आएगा, 4×9=36, तो 1, 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो उत्तर में भी 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा लेंगे, तो 0.99 हमारा उत्तर आ गया। फिर है 0.80/5, तो ये इसको थोड़ी देर के लिए 80 मानिए और इसे 5 मानिए, तो 80 में भाग देंगे, तो 5×5=5, 3×0 शेष रहेगा, 5×30, यानी 16×5=80 होता है, वो हमारा उत्तर आया। अब 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा लेंगे, तो 0.16 हमें इसके लिए उत्तर प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है अब ये थोड़ा सरल होने वाले हैं। सरल क्यों होने वाले हैं, जैसे आपने गुणा में देखा था कि जब हम किसी संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से गुणा करते हैं, तो हमारा दशमलव उतने ही स्थान खिसक जाता है जितने पीछे वाली संख्या में क्या थे, हमारे 0 थे। तो यहाँ भी हमारा वही नियम लागू होगा, बस उसका उल्टा होगा।
उसमें दशमलव कहाँ खिसक रहा था, यहाँ से पीछे की तरफ को खिसक रहा था। अब हमारा भाग देने में दशमलव कहाँ खिसकेगा, आगे की तरफ को खिसकेगा। और कितने स्थान खिसकेगा, जितने पीछे वाली संख्या में जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें जीरो होंगे। 4.8 डिवाइडेड बाई 10, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 10 को हमने ऐसे लिख लिया। अब नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो दशमलव को एक स्थान आगे खिसका लेते हैं, यानी जो दशमलव चार के पीछे है वो कहाँ चले जाएगा, चार के आगे। तो 4.8 लिखते हैं और यहाँ पर दशमलव यहाँ से यहाँ खिसक गया, तो आंसर आया 0.48। ऐसे इसमें भी करेंगे, 5 to 5 लिखिए सीधे, दशमलव कहाँ है अभी, दो के पीछे है, इसको दो के आगे खिसका लीजिए। फिर 33.1 लिखेंगे, यानी 331 लिखेंगे, दशमलव कहाँ है अभी, ये बीच वाले तीन के पीछे हैं, तो अब इसको आगे खिसका लेंगे, यानी एक स्थान दशमलव हमेशा आगे खिसक जाएगा जब भी आप इसी संख्या को 10 से भाग देंगे। फिर 272.23, तो 272.23 लिखेंगे, और दशमलव जो यहाँ दो के पीछे है वो दो के आगे चले गया, तो 27.223 ये हो गया। 0.56/10, अभी दशमलव कहाँ है, पाँच के आगे है, अब वो जीरो के भी आगे चले जाएगा, तो 0.56 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक और जीरो लिख लेंगे, तो 0.056 आ गया। इसमें 0.7 डिवाइडेड बाई 10 है, तो अभी जीरो कहाँ, दशमलव कहाँ है आपका, जीरो के पीछे है, तो जीरो के आगे चल जाएगा, तो 0.7 लिखेंगे और उसके आगे दशमलव लगा लेंगे और ऐसे लिख लेंगे इसको 0.07। 3.97 डिवाइडेड बाई 10, इसमें दशमलव कहाँ है, तीन के पीछे है, तो दशमलव कहाँ चले जाएगा आंसर में, आप तीन के आगे, 3.97। तो देखिए कितना आसान था ना, इसमें आपने क्या करा, बस दशमलव को एक पोजीशन आगे खिसका दिया। तो अगला प्रश्न भी सेम ऐसे ही आपका, तीसरा प्रश्न ज्ञात कीजिए। इसमें आप क्या कर रहे हैं, संख्या को 100 से भाग देना, तो यहाँ कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो यानी हमारा दशमलव कितने स्थान आगे खिसकेगा, दो स्थान। तो अंक क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 और 7। दशमलव कहाँ पर है अभी, दो के पीछे है, तो दो के आगे जाएगा एक स्थान, फिर इसको एक स्थान और खिसकाना, तो यहाँ एक जीरो मान लेते हैं अपने मन से हम काल्पनिक, तो अब दशमलव यहाँ आ गया, तो देखिए यहाँ था ना, एक यहाँ पर था, तो एक स्थान दो स्थान, तो ये आंसर आया 0.027। सेम हियर यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 0.3 को 100 से भाग दे रहे हैं, 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, अभी दशमलव कहाँ है, जीरो के पीछे, जीरो के आगे गया तो एक स्थान गया, और एक और जीरो लिखेंगे तो फिर दो स्थान आगे चले गया, तो 0.003। 78.0 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो दशमलव के पीछे जो है, जीरो के पीछे दशमलव है, दो स्थान इसको खिसकाना है हमने, क्योंकि हम 100 से भाग दे रहे हैं, तो एक स्थान और एक जीरो और लिखेंगे तो दो स्थान। ठीक, तो सेम ही यहाँ भी करेंगे हम, अभी दशमलव कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो एक स्थान और दो स्थान, यानी चार के पीछे चले जाएगा अब दशमलव, 4.326 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे यहाँ भी करेंगे, अभी यहाँ दशमलव है, तो एक स्थान और दो स्थान, यानी दो के आगे चले जाएगा, और इसमें भी हमारा दो स्थान आगे जाना है, तो एक स्थान और दो स्थान, यानी नौ के आगे चले जाएगा, 0.9853 हमारा आंसर आया। चौथा प्रश्न, इसमें हम किसी संख्या को 1000 से भाग देना सीख रहे हैं, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, तो यानी दशमलव कितने स्थान आगे जाएगा, 3 स्थान। तो हमारे पास यहाँ अंक हैं 7 और 9, दशमलव कहाँ है, 7 के पीछे है, तो आगे गया एक स्थान, फिर एक जीरो लगा दो स्थान, और एक और जीरो लगा तो 3 स्थान आगे चले गया, यहाँ था ना दशमलव, एक स्थान दो स्थान 3 स्थान। ठीक है, तो आपके लिए आपके जितने स्थान कम पड़े हैं खिसकाने के लिए, उतने आप क्या करेंगे, आगे से जीरो लगा लेंगे। ऐसे ही इसमें 2 अंक है हमारे पास, हमें 2 अंक 3 अंक आगे खिसकाना है, तो हमें एक जीरो लगा लेंगे, 0.263, तो दशमलव यहाँ आ गया, यहाँ था 1, 2, 3। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, 3.853 लिखेंगे, दशमलव 2 अंकों के बाद है और हमें 3 अंक चाहिए खिसकाने के लिए, तो हमने यहाँ एक जीरो मान लिया, तो हमारा आगे की तरफ को खिसका। इसमें 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो सीधे एक स्थान दो स्थान 3 स्थान खिसक जाएगा, तो 1 के आगे चल जाएगा, 1, 2, 8, 9। 5 में 0 के पीछे दशमलव 0.5, तो हमारा एक ही जीरो था यहाँ पे, हम 2 जीरो और मान लेंगे, फिर 5 लिखेंगे, अब हमारा दशमलव आ गया। तो पहले दशमलव कहाँ था, यहाँ था, एक यहाँ एक स्थान दो स्थान और 3 स्थान। तो ये बड़े आसान प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 2, 3 और 4, जिसमें आपने 10, 100 और 1000 से भाग देना सीखा। अब आपको दो संख्याओं को आपस में भाग देना है, 7 से आप भाग देने किसमें, 7/3.5, यानी 3.5 से 7 में भाग दे रहे हैं। तो इस केस में देखिए आप क्या करते हैं,
अगर हम नीचे वाली संख्या से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है हमारा अपने आप एक जीरो बढ़ जाता है। अब ये संख्या क्या बन गई, 70/35, और 35 से 70 में भाग जाता है दो बार, 35 दूनी 70 होता है, तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसे हम इसमें भी करेंगे, 36/0.2 है, तो अगर हम इसका दशमलव हटाते हैं, ये ध्यान रखिए कि जितने अंकों के आगे से दशमलव हट रहा है ऊपर उतने ही अंकों के उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ हमने एक अंक के आगे से दशमलव हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, तो अब ये क्या हो गया 360/2 हो गया संख्या, और भाग देंगे तो 180 हमारा उत्तर आएगा, 18 × 36 होता है, तो 0 का 0। फिर 3.25 को हम भाग दे रहे हैं 0.5 से, तो यहाँ देखिए नीचे एक अंक के आगे दशमलव है और ऊपर दो अंकों के आगे दशमलव है, तो हमने जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक ही अंक के आगे से हटेगा, लेकिन यहाँ ऊपर दोनों अंकों के आगे से हटा रहे हैं तो नीचे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, जहाँ अंक कम है तो बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों में बराबर दो दो अंकों के आगे से दशमलव हटे, तो यहाँ 50 बन जाएगा और यहाँ 325, तो 325 को 50 से भाग दे देंगे। आप चाहें तो इसे भिन्न के रूप में भी छोड़ सकते हैं, तो भाग देंगे इसको 5 से भाग देंगे, 5 × 30 और 5 × 25 और नीचे 5 × 50, फिर 5 से भाग दे देंगे तो 13 × 65 और 5 × 10, तो चाहें तो इसको 13/2 लिख लें, या और अगर भाग देना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6.5। फिर 30.94 है, इसको 0.7 से हमने भाग देना है, तो नीचे कितने हैं, एक अंक से पहले दशमलव, और ऊपर कितना है, दो अंक से पहले दशमलव है, तो हम जब दशमलव हटाएंगे दोनों अंकों के आगे से तो नीचे हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ अंक कम है, तो 70 में से हम भाग देंगे किस में, 3094 में। तो पहले हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं, तो ऊपर आया 15, तो 2 × 8, तो 7 × 14, नीचे आ गया आपका 35। फिर 7 से भाग देते हैं, 7 × 14, 7 × 14, 7 × 7, और नीचे 5 × 7 = 35, तो इसको 221/5 भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप भाग देना चाहते हैं तो आपका 4 बार भाग चल जाएगा, 5 × 20, फिर 5 × 20.2, 44.2 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 0.5/0.25, ऊपर लिखते हैं 0.5 और नीचे लिखते हैं 0.25, तो नीचे दो अंक हैं ऊपर एक अंक है, अगर हम दोनों के दो अंकों के आगे से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ अपने आप एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 50/25 हुआ, या इसको भाग देंगे तो 25 × 50, 2 उत्तर आ जाएगा। 7.75/0.25, दोनों में दो दो अंक है, दोनों के आगे से दशमलव हट जाएगा आसानी से, तो ये 775 हो गया, नीचे हो गया 25, तो भाग देते हैं 25 × 75, 25 × 25 और नीचे 25 × 25 आया, तो आंसर आ गया आपका 31। फिर 76.5 को हमें 0.15 से भाग देना है, नीचे दो अंकों के आगे से दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 7650 में हम भाग देंगे 15 से, ठीक है, 15 × 75, 1 शेष रहा, तो 1 और 5 = 15, तो उत्तर आया 510। फिर है 37.8/1.4, दोनों में एक एक अंक आगे दशमलव हटा लेते हैं इसे, तो ये 378 हो गया और नीचे हो गया 14, 14 × 14 = 14, 14 × 28, 17 × 8 = 9, 14 × 7 = 98, तो ये 27 इसका आंसर आया। ऐसे ही 2.73 को हम भाग दे रहे हैं 1.3 से, तो यहाँ देखिए दो अंकों से पहले दशमलव है और नीचे हटाएंगे तो फिर एक अंक से दशमलव हमेशा जीरो जो है हमेशा बढ़ जाता है जब नीचे संख्या कम होती है, तो 273/130, ठीक, तो इसमें देखते हैं भाग जाता है या नहीं जाता है। ये ऊपर वाला अंक तो हमारा 3 से कट जा रहा है, 3 × 27 और 3 × 3, और नीचे वाला अंक जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको इतना ही छोड़ भी सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है छठा प्रश्न, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में
43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर आपको दिया है 2.4 लीटर में, 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है? 43.2 किलोमीटर। और आपको निकालना है कि 4 लीटर पेट्रोल में, तो पहले आप निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना गई, 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 43/2 को हम भाग दे देंगे किससे? 2.4 से। अब ये इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको हम गुणा कर लेंगे किससे? 4 लीटर से। अतः 4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी बराबर, ये जो हमारा व्यंजक आया है वो 1 लीटर के लिए आया, तो 4 लीटर के लिए हम इसे 4 से गुणा कर लेते हैं, 43.2/2.4। ठीक है, तो 4 से इसमें भागा चले जाता है, 4×6=24 होता है, 0.6 आ जाएगा नीचे उत्तर। आप इसके आगे दशमलव हटाएंगे, इसके आगे से भी दशमलव हटाएंगे, तो ये 432/6 में प्राप्त होगा, और इससे भाग चल जाएगा इजीली 6×42 और 6×12। तो यानी 4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी? 72 किलोमीटर। तो हमने आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.7 के सारे प्रश्नों को हल करना सीखा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।